MIT World Peace University, Pune. Formerly known as Maharashtra Institutes of Technology. यह एक फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र का, जिसकी स्थापना सन 1983 में पुणे के कोट रूट क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ डी करत के द्वारा की गई थी। MIT पुणे का कैंपस बहुत ही शानदार है, खासकर इसकी डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए अब डिटेल्ड एनालिसिस की ओर मूव करते हैं। आपका स्वागत है। MIT पुणे से सबसे सामने रेलवे स्टेशन है पुणे रेलवे स्टेशन, जो लगभग 9 किलोमीटर दूर है। पुणे एयरपोर्ट सबसे सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। डिपार्टमेंट्स ऑफ MIT पुणे। इस कॉलेज में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, लिस्ट ऑफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब डिपार्टमेंट में आज हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को इस कॉलेज के अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आइए देखते हैं इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट्स पहले इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर फॉर्म फिल अप करें, उसके बाद MCET या फिर JEE मेंस के मेरिट बेस्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। MTech एडमिशन के लिए पहले आपको फॉर्म फिल अप करना होगा और उसके बाद गेट एग्जाम के मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन इस कॉलेज में होगा। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। पिछले साल 2019 में बीटेक और MTech कोर्सेज में लगभग 704 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। इसी तरह एवरेज सैलरी पैकेज 4.56 लाख पर एनम और हाईएस्ट सैलरी पैकेज 19 लाख 6000 पर एनम गई थी और 123 कंपनियों ने इसके कैंपस को विजिट किया। अगर हम लोग NIRF रैंकिंग के अनुसार देखें तो इस कॉलेज का मीडियन सैलरी पैकेज बीटेक में 4 लाख पर एनम और MTech में 3.5 लाख पर एनम गई थी 2019 में। फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में बीटेक वाले स्टूडेंट की टोटल फीस स्ट्रक्चर लगभग 3,10,000 के आसपास है और MTech वाले स्टूडेंट्स के लिए 1,90,000 के आसपास है। वहीं अगर हम लोग स्कॉलरशिप की तरफ देखें तो इस कॉलेज में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है, जहां बीटेक में MCET और JEE मेंस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है, वहीं MTech में गेट एग्जाम के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। फैसिलिटीज। क्लासरूम्स आर एयर कंडीशन्ड। कंप्यूटर लैब हैज एन एक्सेस ऑफ हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन। इस कॉलेज में कैंटीन्स की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है, इस कॉलेज में स्पोर्ट्स पर खास ध्यान दिया गया है। MIT पुणे में फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी के ग्राउंड अवेलेबल है। साथ ही साथ इस कॉलेज में इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप कुछ क्लिप्स इन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉस्टल एंड मेस। इस कॉलेज में लगभग 400 बॉयज और 300 गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल है। मेस फूड की क्वालिटी भी काफी हद तक अच्छी है। आरओ एनुअल कल्चरल फेस्ट है MIT पुणे का। इस कॉलेज का कंपैरिजन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से करें तो MIT पुणे का कैंपस भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से अच्छा है। अगर आप लोग फीस को कंपेयर करें तो MIT का फीस भारतीय विद्यापीठ से बहुत ज्यादा है। भारतीय विद्यापीठ का एनुअल फीस 90,000 के आसपास है। वहीं अगर हम लोग प्लेसमेंट की तरफ देखें तो MIT का प्लेसमेंट भारतीय विद्यापीठ से बहुत अच्छा है। लास्ट में हम लोग यह बोल सकते हैं कि आप पहले MIT पुणे की तरफ जाएं।
MIT पुणे एक बेस्ट कॉलेज क्यों है, आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए देखते हैं। पहला, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन बहुत ही शानदार है। दूसरा, इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं। तीसरा, इस कॉलेज का लोकेशन भी ठीक ठाक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होगी। चौथा, यह एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र का और एक नेम्ड यूनिवर्सिटी है भारत में। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।